फॉर्मुले भी गलत पढ़ते हो। फॉर्मुला रिकॉग्निशन एक अलग चीज होती है। फॉर्मुला आपको पढ़ा दिया गया, आपने उसको समझ लिया, रट लिया, वो एक चीज है। फॉर्मुला रिकॉग्निशन क्वेश्चन के अंदर वो बिल्कुल अलग चीज है, आपको पढ़ाया ही जाता है, पर होता कुछ और ही है। बहुत छोटी छोटी सी बात है, तो मैं रहा क्या ये ठीक है, बट बिलीव मी ऑन दिस, फर्क पड़ता है यार, यही है अल्टीमेटली टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन ओलंपियाड का हो, आईएमओ का हो, जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, सीबीएसई का हो या एनसीईआरटी का हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो वो इसी से ही सॉल्व होते हैं, इन्हीं चीजों से। मतलब तो तब आता है जब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे सारे न्यू आइडियाज की धज्जियां उड़ा देता है, ठीक है, और फिर तुम एग्जामिनेशन में बैठे बैठे इन सिक्स फंडामेंटल आइडियाज का यूज करके ऑन द स्पॉट वहां पे न्यू आइडिया बनाते हो, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। यहां पे आता है मजा, ठीक है, ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि अब जब हम हर एक एपिसोड में एक नया आइडिया फॉर्म कर रहे हो, अब मेंस भी हरकत करने लग गया, पहले मेंस क्या करता था, पहले मेंस करेगा, अगर उसको ये क्वेश्चन पूछना होगा मेंस सीधे सीधे बस यही क्वेश्चन तुम्हें लिख के दे देगा, बट अब मेंस क्या कर रहा है कि अब वो एडवांस के पैटर्न में जाने के चक्कर में वो ये सब उसने भी देना शुरू कर दिया, ये वाली चीजें। हेलो पीपल, सो हम लोग आ चुके हैं अपने पहले एपिसोड पे, ठीक है, ऑफ PSIM सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज इन मैथमेटिक्स, जेई मेंस एंड एडवांस की मैथमेटिक्स, ठीक है। तो क्या ये सीरीज है, उसका एक एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और ये जो एपिसोड है ना, ये एकदम उसको ग्राउंड पे लाके खड़ा कर देगा, एकदम रियलिटी, ठीक है, उसको एकदम कंसोलिडेट कर देगा पूरी चीज को, ठीक है। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे जब भी आप कोई क्वेश्चन को देखते हो, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, जिनको नहीं पता है उनको मैं हल्का सा बता देता हूँ कि देखो जो मेन आइडिया है, ये जो मैं सीरीज है, ये जो भी आप देख रहे हो, इसका मेन आइडिया ही यही है कि जब आप मैथ्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर अप्लाई हो रहा हो तो आप लगा लो, ठीक है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में भी जो स्पेसिफिकली आपका जो जेई मेंस का एंड एडवांस का जो पोर्शन है पूरा, या इसको तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, ISI, CMI, ओलंपियाड, कोई भी पेपर हुआ, ठीक है, पेपर से भी मतलब नहीं है, जनरली कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग हुई, ठीक है, बट अभी एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस ही लूंगा, उसी से रिलेटेड तुम्हें आइडियाज बताऊंगा, ठीक है। क्या मतलब है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, मैथ का, इसको देख के ही आपके अंदर एक थॉट आता है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ वो थॉट आपके अंदर पहले से एक आइडिया होता है, ठीक है, उसको उसका टेक्निकल टर्म होगा कंडीशनिंग होती है, और जैसे ही आप उस इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो, ये आइडिया ट्रिगर हो जाता है और वो आपके अंदर थॉट डालता है कि यार इसको ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं, और फिर आप सोचते हो उस चीज़ के ऊपर कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड देन यू एक्चुअली एक्ट ऑन इट, आप एक्चुअली पेपर पर करना शुरू कर देते हो, ठीक है, दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। तो जो मेन चीज़ है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो इसके ऊपर है ना, कि आपके पास थॉट आया या नहीं आया, है ना, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है बढ़िया सा, है ना, आप उसको देखते रह गए, उसको देखे जा रहे, कोई थॉट ही नहीं आ रहा, उल्टा पता है और कौन से थॉट्स आ रहे हैं, डर के थॉट्स आ रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा यार, मैं तो पागल आदमी हूं, मैं तो इन्फीरियर हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, ये थॉट्स आ रहे हैं, थॉट रियलिटी में थॉट ही नहीं आ रहा कैसे होगा, ठीक है, तो उन्हीं थॉट्स को के लिए आइडियाज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सेशन है इसमें मैं आपको फंडामेंटल आइडियाज बताऊंगा जो जनरली किसी भी क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है, ये कोई देखो ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई हम साइकोलॉजिकल सेशन नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल हार्डकोर अभी मैथ्स की ही एग्जांपल्स एंड ऑल लूंगा मैं, ठीक है, उसके बाद अभी मैं समझाता हूँ कि फंडामेंटल आइडियाज में एंड कंस्ट्रक्टेड आइडियाज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये सब मेरी खुद की डेफिनेशन है, कोई अलग से कोई बुक वुक नहीं लिखी हुई है, ठीक है, कि आप सोचोगे कोई एक्चुअल में आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने अपनी ही टर्मिनोलॉजी बना रखी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन, जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि थॉट आना चाहिए, तो मेरा पॉइंट क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का, उसके लिए आपको अराउंड आप मान सकते हो 6 से 7 फंडामेंटल आइडियाज होंगे अगर, ठीक है, तो यहां से आपके अंदर आइडिया आएगा, और ये आइडिया कहां से आएगा, ये जो फंडामेंटल आइडियाज क्यों बोला जा रहा है इनको, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कि आपने थ्योरी कौन सी पढ़ रखी है, कौन से टीचर से, है ना, मैथ्स पढ़ी आपने, फिर फॉर्मूले आपको कितने आते हैं, ठीक है, और आपने ऑब्जर्वेशंस कितनी कर रखी हैं, ठीक है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चंस कर करके उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे A-B फॉर्म करना है, ठीक है, और मुझे A-1 और B-1 दिख रहा है, तो उसको सेकंड सोचना भी नहीं पड़ेगा, उसको एकदम से दिख जाएगा कि हाँ इसको माइनस कर लेंगे, A-B आ जाएगा, ठीक है, बाकी लोगों के दिमाग में हल्का सा फ्रिक्शन रहेगा कि अच्छा माइनस करेंगे तो -1 +1 तो नहीं हो जाएगा, सॉरी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि -2 रह जाएगा साथ में एंड ऑल दैट, ठीक है, बहुत बेसिक आइडिया है, पर ये इतनी सी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, देखता ही एकदम से अच्छा क्वेश्चन में A-B पूछ रखा है और मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो इन चीजों पे ये फंडामेंटल आइडियाज रिलाई करते हैं, और इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ आपका कंस्ट्रक्टेड आइडियाज, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड आइडियाज। तो कंस्ट्रक्टेड आइडियाज का जो 50% पोर्शन है, यानी कि थ्योरी और फॉर्मूले, ठीक है, वो तो आपको हर बुक के अंदर हर कोई भी टीचर हुआ वो सभी आपको पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, मेन प्रॉब्लम आती है ऑब्जर्वेशन पे, यानी कि ऐसे आइडियाज जो आपको बताने ही पड़ेंगे कि भाई ये क्या चीज लिख दी तुमने, है ना, कि अगर 1/sin θ cos θ लिख रखा है तो यहाँ पे sin² + cos² लिख दो, है ना, यहाँ पे sin cos लिख दो, अब देखो ये tan + cot बन गया, ठीक है,
नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि ये भाई कैसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेशन में दे रखा है ऐसे करके, सो ये चीजें, ठीक है, तो वो जो है उनको मैं बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्टेड आइडियाज, ठीक है। तो ये जो सेशन है इसमें मैं सारे फंडामेंटल आइडियाज आपको बता दूंगा, एंड फिर अगले सेशंस ऑनवर्ड से वो सही मायनों में हमारा एपिसोड वन होगा, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, वहां पे हम एक एक करके टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक पे, है ना, ये कोई देखो ये कोई चैप्टर तो चल नहीं रहा है, ये ऐसा तो चल नहीं रहा है कि आज लेक्चर नंबर वन है, फिर लेक्चर नंबर टू आएगा, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर थ्री आएगा, एंड सो ऑन, फिर ये एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये ऐसा है ही नहीं, इसको मैं पता क्यों बना रहा हूँ, पर्पज क्या है, देखो वैसे मैं फुल कोर्सेज बनाता हूँ, है ना, आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे पढ़े हुए और कुछ चैप्टर्स पेड है, ठीक है, और वो सब आप डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा सारा लिंक, बहुत अच्छे से एकदम सिस्टमैटिकली मैंने 8 लिंक्स में पूरा जितना भी मैथ सब्जेक्ट पे है वो पूरा अरेंज कर दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो उसको डिस्क्रिप्शन पे। बाकी आप होम सेक्शन पे जाकर देख सकते हो कि मैथ सब्जेक्ट क्या क्या हमने करा रखा है, जेई एडवांस, मेंस, अल्ट्रा, ठीक है। तो मैंने पहले सोचा कि अगर मैं यहाँ पर फुल कोर्सेज बनाऊंगा तो उसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, अगर मैं मानो अभी शुरू करूँ, ठीक है, अभी अगस्त चल रही है, ठीक है, तो भाई क्या कितने बना लूंगा मैं, 2 या 3 चैप्टर बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा एनालिसिस और बहुत वो लगता है, वरना तो आप किसी और से भी पढ़ लोगे ना, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा तो पढ़ ही लोगे आप। तो 2-3 चैप्टर से अच्छा मुझे ये लगा कि वाई नॉट आई स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे मैं ऑल ओवर थ्रू आउट द सिलेबस जो है उसमें बिल्कुल जो बिल्कुल क्रूड लेवल पे, अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही आने वाला है, अल्टीमेटली तो आपके पेपर में क्वेश्चन ही आने वाला है ना मैथ्स का, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखते मेरे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, कि चाहे मैं किसी भी टीचर से मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हाउ शुड माई थिंकिंग बी, द थॉट प्रोसेस, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गेम, अल्टीमेटली वो थॉट प्रोसेस ही काम में आने वाला है, ठीक है। आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, अभी तो आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप फॉर्मूले भी गलत पढ़ते हो, फॉर्मूला रिकॉग्निशन एक अलग चीज़ होती है, फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया गया, आपने उसको समझ लिया, रट लिया, वो एक चीज़ है, फॉर्मूला रिकॉग्निशन क्वेश्चन के अंदर वो वाला बिल्कुल ही अलग चीज़ है, आपको पढ़ाया ही जाता है पर होता कुछ और ही है, ठीक है भाई, ये पढ़ा के कोई आज तक ऐसा तो हुआ नहीं हुआ ये भी क्वेश्चन में कि ये डायरेक्टली लग रहा हो, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ फुल कोर्स, जो कि आना चाहिए, आएगा भी कभी ना कभी, अभी नहीं, ठीक है, तो अभी वाई नॉट स्टार्ट दिस सीरीज, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये एक तो ओपन एंडेड सीरीज है, ये एक रैंडम सीरीज है, रैंडम से मतलब ये नहीं है कि आज एपिसोड डाल दिया फिर 50-60 महीने बाद डालेंगे एक एपिसोड, ये नहीं है, रैंडम मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, कि भाई अभी मैंने अगर एक ट्रिग्नोमेट्री का करा दिया तो अगले ही दिन मैं इंटीग्रेशन का नहीं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं इसमें कोशिश अभी ये कर रहा हूँ कि इनिशियली जो इनिशियली कुछ एपिसोड्स होंगे वो बिल्कुल मैं 11th क्लास के चैप्टर से शुरू करूंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, और इसके थ्रू ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 12th के बच्चे नहीं देख सकते, 13th के नहीं देख सकते, 11th के ही देखेंगे, या अगर इंटीग्रेशन का आ गया तो 11th के नहीं देखेंगे, नहीं, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हर एक बच्चा चाहे वो किसी भी चैप्टर कर रहा हो, कोई भी क्लास में हो, वो उस क्वेश्चन को कर पाए, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इनिशियल आइडियाज को ले रहा हूँ, क्योंकि सारे इनिशियल आइडियाज ऑल ओवर द सिलेबस यूज होने वाले हैं, ठीक है। जैसे मानो बहुत बेसिक आइडिया है, शायद कुछ लोगों को पता ही होगा कि जैसे मानो पढ़ाया जाता है ये x² + 1 / x² - 1 मानो आपको दे रखा है, ठीक है, तो जो नीचे है वो ऊपर बना लो, ये सबको पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो कोई इसमें कुछ खास नहीं है, है ना, और आप ऐसे कर लेते हो तो ये वन बन जाता है एंड चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो आइडिया है, ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये आइडिया ऑल ओवर द सिलेबस में यूज़ किया जा सकता है, ऐसे कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा यहाँ पर, एंड दे विल बी यूज इन द एंटायर सिलेबस, आप कोई भी चैप्टर हो, आप लिमिट्स पे हो, है ना, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे हो, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हो, आप कहीं और ही हो, आप मैट्रिसेस में हो, ठीक है, उससे आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ रिप्लेसमेंट ऑफ फुल कोर्स एज ऑफ नाउ, दिस इज नॉट ऑब्वियसली फुल कोर्स इज फुल कोर्स, ठीक है, वो तो गेम ही अलग हो गया, वहाँ पे तो मैं ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इंटीग्रेट करके कराऊंगा, अगर कराऊंगा तो, ठीक है, तो वो तो चीज़ ही अलग होगी, बाकी कुछ कुछ हैं चैप्टर्स के फुल कोर्सेज वो तो आप ले ही सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ठीक है, कि रैंडम सीरीज है, फुल कोर्स का रिप्लेसमेंट जैसा है अभी के लिए, ठीक है, तो उस तरीके से इसको देखना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा समराइज कर दिया है जितना भी अभी तक मैंने बोला है, फिर हम फंडामेंटल आइडियाज से शुरू करेंगे। तो आपने इंट्रो वीडियो ऑलरेडी देख रखी है, ये आप अभी इस वीडियो पे है फंडामेंटल आइडियाज वाले पे, उसके बाद इन फंडामेंटल आइडियाज को डिराइव करके, ठीक है, मैं बहुत सारे अलग अलग आइडियाज कराऊंगा जो कि टॉपिक वाइज होंगे, कि ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडिया है, एलजेब्रा में ये आइडिया है, लिमिट्स में ये आइडिया है, कैलकुलस में ये आइडिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वही जो होंगे वही हमारे तरीके से एपिसोड्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, एंड आई गेस दिस विल गो टिल इंफिनिटी, बट आई गेस देयर विल बी अ सैचुरेशन पॉइंट जहां पे बोल सकते हो कि हाँ, इस यहां तक पहुंचने के बाद हम बोल सकते हैं कि भाई अब तो ऑलमोस्ट हम सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल आइडियाज के साथ, ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला जो फंडामेंटल आइडिया है दैट इज फॉर्मूला रिकॉग्निशन, ठीक है, यानी कि आप जो फॉर्मूले याद कर रहे हो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो, ठीक है। जैसे ज्यादातर लोग, अगर मैं यहाँ पे देखो, इस सेशन में मैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू पूरा इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरा मानना है कि एक तो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आराम से हर चीज इलस्ट्रेट हो जाती है, उसमें वैरायटी बहुत है, बाकी हर चैप्टर में नहीं है, मैं आपको क्वाड्रेटिक से कराऊं,
ठीक है, या मैं आपको मेट्रिस से कराऊंगा, तो उसमें सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा अपने आप में आप, अगर जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री किया उसको पता है ना, और ट्रिग्नोमेट्री आगे सब लोग ही स्टार्टिंग में करते हैं तो कुछ नहीं होता, तो हल्के हल्के फॉर्मूले तो हर किसी को पता होते हैं, राइट। तो उसी के थ्रू मैं अपने मैक्सिमम आइडियाज को इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये आइडिया सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि अरे ये तो बस ट्रिग्नोमेट्री, ये तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी इसने, ट्रिग्नोमेट्री शुरू नहीं करी गई है, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने बोला, यू लर्निंग फॉर्मूले रॉन्गली, कैसे, जैसे हम ये फॉर्मूला रख लिया हम लोगों ने, ठीक है, कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट टू सम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ये कराया जाता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को देख के कोई फायदा नहीं हो रहा, आप इसको रट लोगे टू साइन ए कॉस बी कॉस टू साइन ए प्लस बी प्लस, ठीक है, या आपको इस तरह से चीजें कराई जाती हैं। अगर आपको एप्लीकेशन देखना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये इस तरीके से थोड़ा आने वाला है, क्वेश्चन में थोड़ा ना पूछेगा टू साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि देखो साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। सोचो जरा कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो हो सकता है साइन ए और कॉस ए हो जाए, है ना। अब मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे साइन साइन कौन लिखेगा, और ये मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनफैक्ट ऑल ओवर द सिलेबस, वाई डू यूज फुल नेम्स, लॉ की जगह एल यूज करो, ठीक है, साइन की जगह एस यूज करो। अब यहाँ पे अलग अलग एंगल से इसलिए इतना करना पड़ रहा है, वरना सीधे सीधे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ठीक है, बिल्कुल एलजेब्रिक हो जाता है इससे, ठीक है। खैर, अब जैसे यहाँ मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ए कॉस ए हो सकता है, और क्या हो सकता है बोल जल्दी से बोल दो, साइन ए कॉस बी, है ना, और क्या हो सकता है, साइन बी कॉस ए, है ना, साइन बी कॉस बी, ठीक है, ये तो हुआ वो वाले। फिर क्या हो सकता है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, राइट। कोई भी क्वेश्चन हुआ वो इन्हीं में आएगा, है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा, कोई पागल ही होगा जो क्वेश्चन के अंदर टू लगा के देगा तुमको, कौन देगा तुम्हें टू लगा के, ठीक है, ये बल्कि ऐसे घुसे हुए होंगे कहीं पे कि ऐसे साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, है ना, माइनस में दे रखा है यहाँ पे आपको साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको जब आपको फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है आपको सोचना है वो एप्लीकेशन में कैसे आएगा, ठीक है। तो अब तुम सोच के देखो, तो अब साइन ए कॉस ए का तो पता नहीं, अब साइन ए कॉस बी ये तुम्हें फॉर्मूला आता है, साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये तो मुझे बिल्कुल पागलपंती लगती है, ये जो फॉर्मूला पढ़ाते हैं ना टू कॉस ए साइन बी, अरे यार इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तुम्हें यहाँ पे तो क्वेश्चन जब तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया जाता है तो बड़ा टेक्निकल टर्म पढ़ाया जाता है कि टू साइन ए कॉस बी, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, तुम साइन बी को घुमा के लिख दो, तुम लिख दो इसको टू साइन बी कॉस ए, अब इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस रह गया, तो बस एक याद रखेंगे हम क्या कि टू टू यहाँ पे अगर साइन ए है और यहाँ पे अगर कॉस बी है, खत्म बात, ये ए बी बी ए को उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, और हम सीधे सीधे याद क्या रखेंगे कि हाँ साइन ए कॉस बी अगर होगा तो आ जाएगा भैया साइन एक बार जुड़ जाता है ना, और एक बार साइन माइनस हो जाता है, खत्म बात, प्लस में। अब तुम लोगों को अच्छा सा लगा ये वाला फॉर्मूला हो गया तो वो अपने आप तुम दिख लेना, अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्ले, दैट्स हाउ यू हैव टू प्ले, ठीक है, ये आपको हटा दिया आपने पूरा, ठीक है। तो आपको एकदम बिल्कुल इस तरीके से चलना होगा। अब साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए, तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है, ठीक है। एंड इफ यू सी साइन ए कॉस ए, कहाँ देखा है तुमने, ये तुमने देखा है साइन टू ए के साथ, साइन टू ए, तो साइन टू ए डिवाइड बाई टू हो जाएगा। सो आपको ऐसे चीज़ों को देखना होगा, ठीक है, मतलब क्या, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये आपके सिंपल से क्या कॉम्बिनेशन बन गए, ये चार कॉम्बिनेशन ही बने आपके सिर्फ, साइन ए कॉस ए, तो चलो मैंने पहले निकाल दिया, बेसिकली साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी एंड कॉस ए कॉस बी, दैट्स इट, दैट्स इट। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, आप क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये साइन के अंदर ए माइनस बी माइनस, ओ सॉरी साइन के अंदर नहीं, कॉस के अंदर ए माइनस बी एंड कॉस के अंदर ए प्लस बी। मेरे को अभी फॉर्मूला याद नहीं करवाना आपको, मैं आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन दिखेगा वो ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। तो दिस इज अ फार बेटर फॉर्म टू रिमेंबर रादर देन ऑल दिस बुलशिट। कोई कहा आपने कुछ खास तो किया नहीं है, यहाँ पे टू आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा यार इतनी तो, ठीक है, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला वॉर्मला सीखना मेन पॉइंट नहीं है। इससे आप क्या सीख रहे हो, इससे आपको फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करना होगा। ये भी आपको ऐसे, ये मैंने लिख दिया, आपको लगेगा क्या कर रहा है इसने, बस टू को बदल ले गए, नहीं नहीं नहीं, आप फीलिंग पे नहीं जा रहे कि जब भी मुझे साइन ऑफ कॉस साथ में दिखेगा तो मैं ऐसे सोचूंगा, ऐसे अपने आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले को ग्रास्प करना होता है, फॉर्मूला रिकॉग्निशन। यानी कि अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं कुछ ऐसा दे रखा है, आई गेस एस एल लोनी का क्वेश्चन था ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, कॉस ए कॉस बी, मान लो ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब पता है मैंने जब मैंने पहली बार, मैं तो अपना सिंपल ऐसे पढ़ लिया था, जब सबसे पहली बार जिंदगी में मैंने एस एल लोनी सॉल्व करी थी तो इस क्वेश्चन पे आगे मैं अटक गया था बहुत बुरी तरह से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की एक्सरसाइज थी वो, और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में तो साइन ए कॉस भी होता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार ये साइन ए कॉस ए का क्या सेंस बना यहाँ पर, ठीक है, मेरे को दिमाग से निकल गया कि अरे साइन टू ए, अरे ये तो साइन टू ए डिवाइड बाई टू लिखा हुआ है, एंड जैसे ही आप ये करते हो आपका क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी अपने आप ही, ठीक है।
ऐसे आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि जैसे मैंने दो साइन को मैंने साथ में देखा और एंगल अलग अलग है तो मेरे सामने तुरंत ये ट्रिगर कर गया। अच्छा एक साइन और एक कॉस है तो मेरे सामने ये ट्रिगर कर जाएगा, कॉस साइन लिखा हुआ है, साइन कॉस है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक साइन और कॉस के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो मुझे ये ट्रिगर कर रहा है, साइन और साइन है तो ये, कॉस है कॉस तो ये है, और अगर सेम एंगल है साइन ए कॉस ए तो फिर मुझे साइन टू सोचना है। आपको इस तरीके से रखना है कि क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, कोई फॉर्मूला थोड़ी पूछने वाला है आपसे। ये बात आई होप सो धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि देखो इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको सारे ऐसे 50-60 हज़ार क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, लेकिन अगर आप समझ पा रहे होंगे, और ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री तक लिमिटेड नहीं है, आप कुछ भी पढ़ लो, आप लॉगरिथम पढ़ लो, उसमें बेस चेंज थ्योरम पढ़ लो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा बेस चेंज थ्योरम से ये क्या सिखाना क्या चाह रहे मेरे से, कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें अगर मैं सबके बेस सेम कर दूं तो मजा ही आ जाएगा। तो ये एक आइडिया हो सकता है ना, जो मुझे उस फॉर्मूले से ही सीधे सीधे सिखाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन आपको सिखाया तो सिर्फ यही जाएगा ना कि बेटा लॉग में अगर आपको दे रखा हो बी और सी तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, लॉग ए सी एंड लॉग ए बी। अरे फीलिंग पे जाओ, क्या किया गया यहाँ पे, यहाँ पे बेस सेम किया गया है। तो अगर मुझे बहुत सारे लॉगरिथम में प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, इसमें किसी का बेस 7 है, किसी का बेस 3 है, किसी का बेस 17 है, तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं इन तीनों को एक ही बेस में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टीज, मैंने जितनी भी लॉगरिथम में मैंने पढ़ाई करी है वो सब कुछ मैंने एक बेस पे करी है, ये अलग अलग बेस मुझे हैंडल करना ही नहीं आते, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना होगा वरना तो मर जाओगे, वरना सीख ली मैथ्स। सो ये सब फंडामेंटल आइडियाज हैं, मैं अभी बाकी तो अभी हम जब कंस्ट्रक्टेड आइडियाज देखेंगे उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, बट आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पढ़ा जाता है 1 cos 2θ = 2 cos² θ, 1 cos 2θ, सोचे देखो क्या किसी क्वेश्चन में तुम्हें वो परोस के देगा कि भाई ये ले 1 cos 2θ, ये लगा डाल तू फॉर्मूला। अगर कुछ भी होगा, अगर सबसे चुल्लल जिसको कहते हैं बिल्कुल ही बच्चे वाला क्वेश्चन होगा, उसमें कम से कम वो इतना देगा ही देगा कि मान उसने ऐसे दे दिया 1 tan θ, मान लेते हैं -sec θ, ठीक है, +cos θ, मान उसने ये दे दिया। अब तुम ढूंढे जा रहे हो अपना 1 cos θ, क्योंकि तुम्हारी आदत है फॉर्मूला को तुम रिकॉग्नाइज ऐसे करते हो कि बिल्कुल वो बिल्कुल बच्चों की तरह में दे दे कि ये रहा 1 cos θ। अरे ऐसे कभी नहीं देगा वो तुम्हें, 1 cos θ नहीं रखना दिमाग में, तुम्हें इसको ऐसे रखना कि 1 और cos θ, ऐसे याद रखो इसको कि अगर 1 और cos मुझे साथ में दिख जाए तो मैं ये लगा सकता हूँ, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। हो सकता है वो तुम्हें कभी ऐसे दे दे cos θ -1, हो सकता है वो कभी तुम्हें ऐसे दे दे कि बस cos θ/1 या 1/cos θ, और तुम कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा लो और ये +1 और ये क्या बन जाएगा cos θ -1। तो cos और 1 अगर मुझे साथ में दिखते हैं तो मुझे ऐसा कुछ करना होता है। दिस इज हाउ यू डू द फॉर्मूला रिकॉग्निशन वाला पार्ट। तो ये पहला फंडामेंटल आइडिया है, और ये जो है ये प्रॉब्लम के टाइम पे नहीं है, ये जो रिकॉग्निशन फॉर्मूला रिकॉग्निशन वाला जो पॉइंट है ये वैलिड तब है जब आप सीख रहे हो, जब आप एक्चुअल लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, दैट इज हाउ यू हैव टू सी कि इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कैसे करूंगा, रटना तो भाड़ में गया। एंड यू विल ऑल्सो सी याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिस भी आप प्रॉब्लम को आपके सामने है, सी थ्रू द मेस, जो भी उसने गंदगी दे रखी है तुम्हें उसके थ्रू देखो, एल्जेब्रिक सेंस दिखेगा तुम्हें, ठीक है, कुछ छुपा हुआ होगा उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मानो मैं कुछ बहुत ही गंदा से दे दूँ तुम्हें कि भाई अभी मैं साइन में ही दे रहा हूँ, ठीक है, कि साइन की बार 4θ/cos²θ, ठीक है, और यहाँ दे दूँ मैंने तुम्हें cos²θ/sin²θ, एंड यहाँ पे भी कुछ गंदा उंदा सा मैंने दे दिया तुम्हें। तुम्हारे दिमाग में ऐसे नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलना चाहिए s^4 / c², ठीक है, c^4 / s², एंड यू टेक दी एलसीएम, यू बिकम s^4 c², c^4 s², ये मैंने बहुत ही बेकार एग्जांपल दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मैंने कैसे बनाई हैं, ये मैंने हवा में तीन नहीं चलाए हैं। जब मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ कि माइंड में थॉट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और वो जो मूवमेंट ऑफ थॉट है वहाँ से मैंने ये सब ऑब्जर्वेशन देखी हैं। तो मेरे पास एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स अभी नहीं है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है तो ये यूज़फुल नहीं है, ये भैया बहुत यूज़फुल है। तुम जाकर के अगर कुछ नहीं है तो अगर तुम मेंस का पीवाईक्यू वाला देख लोगे, ठीक है, मैंने पिछले साल जेई मेंस के जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं 2002 से 2023 तक के, ठीक है, एलजेब्रा के सारे, ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ कैलकुलस के भी, ठीक है, वो सारे जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे हमने सब सॉल्व किए थे लाइन वाइज, एक एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप की सारी चीज़ें लग रही थी, जैसे उसमें एक था अभी जो मेरे आगे आएगा अभी कि मज़ा आ जाता अगर, वो तो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा था क्वेश्चंस के अंदर, वो फंडामेंटल आइडिया ही था, ठीक है। तो उसी से आपको बता रहा हूँ, अब सोच के देखो, अब तुम्हें ये दे रखा है, बच्चे क्या करेंगे, इसी को घूरते रहेंगे, अरे नहीं तुम इसको देखो, इसका एलजेब्रिक सेंस पकड़ो, देखते ही समझ में आ रहा है, अरे ये तो s² c² कॉमन आ गया है ना, ये बन गया s² + c², ये s² c² हो गया, ये और ये कट गया, ये वन हो गया, आंसर बना गया। लेकिन अगर तुम इसी को देखते रहते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, आप एलसीएम अपने आप ही ले लोगे,
कि एलसीएम ले लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, है ना, और फिर कॉमन ले लो, वो कर लोगे. बट आप यहाँ देखो कितनी फ्लूइडिटी है, कितनी स्मूथनेस है करने में, है ना, क्योंकि एलजेब्रा आपको भाई साहब सिक्स क्लास से पढ़ाया जा रहा है. सिक्स क्लास से आपको समझा दिया गया था कि एक्स वाई जेड क्या होता है, ठीक है. तो अराउंड टेंथ यानी कि चार से पाँच साल ने तो आपने बेसिक एलजेब्रा किया है, तो आप इस टाइप की चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो है, यूज टू है, ठीक है. तो बहुत फ्लूइडली काम चलता है. तो मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स को हटाओ और बिल्कुल फ्लूइडली देखो. और ये लॉग में भी होगा, ये ऑल ओवर होता है. मैं तो सारे ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, इतने गंदे गंदे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. ट्रिग्नोमेट्री कितने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है. कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ आपको कितना यूजफुल है, ठीक है. जैसे ये जे एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है. अगर आप यही जे एडवांस का ले लो, ठीक है. मैथ्स मैं बोल रहा हूँ ना, मैथ्स जितनी आपको दिख रही है उसको हटाना है हमें, ठीक है. अब मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यार रिपीटेशन हो रहा है. के प्लस वन एन प्लस टू बाई पाए, के प्लस वन एन प्लस सेम दिख रहा है, इसको थीटा बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है. अब यहाँ पे सर के प्लस वन की जगह पे एक के प्लस टू हो गया है, राइट. तो कितने लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, राइट. तो ये बन गया के प्लस वन एन प्लस टू, है ना, ये ऐसे बन गया, नहीं बन गया, राइट. नाउ इफ यू सी यहाँ पे जो सिग्मा है ना, ये जो नोटेशन है सिग्मा, यहाँ पे के इज द मेन वेरिएबल. तो ये जो n है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है. तो बेसिकली हमने इसी को क्या बोला था, हमने इसको थीटा बोला था. तो ये जो भी चीज़ लिखी हुई है, ये तो एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, टू एक कांस्टेंट है, n भी एक कांस्टेंट है, ठीक है. तो इसको हम थोड़ा कुछ बोल देते हैं, मान लो m बोल दिया, चलो. तो अब ये जो पूरा प्रॉब्लम जो आपको दे रखा था, जो थोड़ा देखने में खौफनाक था, और कई लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करने बैठ जाते हैं, और इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे समझ में ही नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज होने लग जाओगे बीच में, ठीक है. तो अभी कितना सा रह गया, ये ऐसा बन गया क्वेश्चन, सिंपल सा, साइन थीटा, ठीक है. और यहाँ क्या बन गया, साइन थीटा प्लस एम, ठीक है, सिग्मा के अंदर डिवाइड बाय, नीचे क्या बन गया, सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा. देख के थोड़ी राहत मिल रही है कि हाँ भाई कुछ करा जा सकता है. और फिर एकदम से बच्चे ने जैसे इसको देखा, उसके दिमाग में तुरंत ट्रिगर किया, अरे साइन और साइन साथ में है, साइन और साइन, साइन साइन क्या होता था, साइन साइन, कॉस माइनस कॉस, ठीक है. अरे साइन स्क्वायर है यार, साइन स्क्वायर मैंने कहाँ देखा यार, साइन स्क्वायर तो अरे उसमें होता था वन माइनस कॉस में, इधर लगाया, इधर लगाया, एंड यू विल सी द क्वेश्चन विल बी सॉल्व. एंड दिस वॉज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन जेके एडवांस 2019. क्वेश्चन सिंपल ही था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इस क्वेश्चन में. बट अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप उसके, आपने पूरा जो जेई एडवांस क्या करेगा, फालतू में कॉम्प्लिकेट करता है वो, ठीक है. तो फालतू में उसने जो इतनी सारी तुम्हारे ऊपर एक वेब लगा रखा है, तुमने क्या करा, उसका वेब पूरा हटा दिया, और तुम आप अंदर देख पा रहे हो कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली एलजेब्रिक सेंस क्या है, उसका एलजेब्रिक फॉर्म क्या है, ठीक है. और जब तुमने इस फॉर्म को देख लिया, अब तुम कर लोगे, है ना, अब तुम कर लोगे. मैं कह रहा हूँ अब तुम्हें जब समझ में आ गया ना, अब तुम वापस से थीटा को ऐसे डाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अब गलतियां नहीं होंगी. क्योंकि तुम्हें मेन तो ये पॉइंट था ना, लोग इसको देख के इतना डर जाते हैं, उनका दिमाग ही फ्यूज हो जाता है, वही सोच ही नहीं पाते कि अरे साइन साइन लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ये कॉस माइनस कॉस करना है बस, उससे पहले उनका फ्यूज आउट हो जाता है, ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, मेरे को बस अभी एग्जांपल्स मिल ही रहे हैं, ठीक है. और सेशन बनाना था तो मैंने ये एग्जांपल लेकर समझा दिया. रिपीटेशन हो गया, पिछले सेशन में भी मैंने ये एग्जांपल लिया था, ठीक है. लेकिन बिलीव मी ऑन दिस, बहुत इसके वो हैं कि आप बिल्कुल इसको अपनी एक आदत बना लीजिए कि मैथ्स को हटाना है अपने को, है ना. गंदगी जितनी भी मुझे दिख रही है उसको हटाओ, उसको टी मान लो, उसको थीटा मान लो, है ना. और फिर देखो क्वेश्चन का फॉर्म क्या है. फीलिंग आ रही होगी, फॉर्म फॉर्म हमेशा सिर्फ एलजेब्रिक नहीं होगा. जैसे यहाँ पर साइन और साइन, ये कोई एलजेब्रिक चीज़ तो है नहीं, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्म चाहिए मेरे को, कि साइन साइन, है ना, जो जिस तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया उस फॉर्मेट में ले आया मैं, ठीक है. फिर तीसरा आइडिया, एक मिनट, अच्छा ये देखो जरा एक बार, ये इसका ऑफिशियल काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है. ऑफिशियल क्या मतलब, जो लोग करते हैं इस तरीके से, ठीक है. अरे यार दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ आप दिख रहा होगा, है ना. तो अब ये तुम देखो, इन्होंने इसको उसमें कन्वर्ट ही नहीं किया, है ना, इन्होंने इस क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट नहीं किया थीटा एंड ऑल में. तो ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चा का थोड़ा फ्यूज होने लग जाता है, देख रहे हो तुम, ठीक है. लेकिन अगर वहीं पे तुम थीटा वीटा कर लेते तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है. आई होप सो आई हैव ओवर एक्सप्लेन एंड इट्स क्वाइट क्लियर, ठीक है. तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. ऑलराइट, तो थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, वो क्या है कि जो चाहिए वो बना लो, ठीक है. इसको मैं अपने उसमें क्या बोलता हूँ कि मजा आ जाता अगर ऐसा होता तो, ठीक है. बिलीव मी ऑन दिस, इसको मुझे अपनी मेमोरी से याद है कि पिछले साल जब पूरे जेई मेंस के पीवाईक्यूज किए थे हम लोगों ने, इतने सारे क्वेश्चंस में ये लग रहा था मजा आ जाता अगर, मजा आ जाता अगर, ठीक है. सीक्वेंस सीरीज में हमने पूरा 8 घंटे 40 मिनट का सेशन था वो, ठीक है. और कितने सारे क्वेश्चन लोगों ने किए थे बिल्कुल जो इसी चीज़ पे आ रहे थे कि यार मजा आ जाता अगर यहाँ पे प्लस वन होता तो, मजा आ जाता अगर यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ होता तो. और क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है. जो चाहिए वो बना लो, तुम्हें प्लस वन चाहिए लगा लो ना, प्लस वन, प्लस वन लगाओ माइनस वन कर दो, तुम्हें डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो, डर क्यों रहे हो. और ये मुझे बोलना पड़ रहा है, इजंट इट ऑब्वियस कि जो चाहिए वो कर लो ना जब कर सकते हो तो. पर लोग नहीं करते हैं, वो बस देखते रह जाते हैं कि यार यहाँ अगर वन होता तो बढ़िया रहता, बट अब वन तो है नहीं तो हम अटका हुए हैं, हमसे हो नहीं रहा क्वेश्चन, हम देख रहे हैं बस. अरे क्यों देख रहे हो भाई, करना शुरू करो, हो जाएगा,
तो मैं डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चाहिए तो लगा लो ना वन को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान लो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्यों इतना सोच रहे हो, करके तो देखो। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज समझ में आ रही होगी। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, बाकी जेई मेंस की पी वाई क्यूज अगर आप देखोगे, ठीक है, हमने जितने भी किए थे पिछले साल उसमें बहुत बार मैंने बोला है, ठीक है, कि मज़ा आ जाता अगर। ठीक है, बाकी तो अभी हम ये जो आइडिया सीरीज हमारी चलेगी, ठीक है, तो उसमें आपको हर एपिसोड में दिख जाएगा कि यही 7 आइडियाज यूज होंगे। ठीक है, तो आई होप सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू माइनस 14 दे रखा है। एक इक्वेशन दे रखी है, तीन वेरिएबल पूछे हैं, है ना। पहला पॉइंट, क्वेश्चन ने तुरंत तुम्हारे पर अटैक मार दिया कि भाई 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि n वेरिएबल्स के लिए n इक्वेशन होनी चाहिए। तो जैसे ही आपने ऐसा कुछ देखा, आप थोड़ा हिल जाओगे, ठीक है, पर फिर आपको याद आएगा प्रीवियस सेशन की बात कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि डरने वाला जो मेरा कमरा है माइंड के अंदर, वो सारा काम तमाम कर देगा, राइट। तो इसको हमें नहीं सुनना है, हमें अपने आइडियाज में ही स्टिक रहना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, मेरे जमाने में क्या आया था सबसे पहले, कि हम वो पढ़ते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, क्या पता वैसा कुछ फॉर्म हो रहा हो, बट उसके लिए तो यार ab और bc होना चाहिए। तो ab के लिए तो xy होना चाहिए, या yz या xz, वैसा तो कुछ है नहीं। यहां तो 2x है, यहां तो 4y है, 6z है। तो तुरंत दिमाग में आया कि एक मिनट, फिर ये कैसे बन सकता है, अगर मुझे 6 यहां पे, अगर मुझे 2x है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2x दिख रहा है, तो साथ में क्या होना चाहिए कि यहां पे मामला बन जाए, है ना। तो आया कि यार प्लस 1 होता, अगर प्लस 1 होता तो मजा आ जाता, क्योंकि प्लस 1 होता तो ये बन जाता एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फिर जैसे ही मैंने ये सोचा, तुरंत दिमाग में ये भी आया कि अरे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 अगर यहां पे होता तो ये बन जाता माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। और बिल्कुल उसी तरीके से वो बन जाता जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर एक प्लस 9 होता तो, राइट है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है ना, मजा आ रहा था अगर ऐसा होता तो। तो वही हमने कर लिया ना, हमने बोल दिया भाई प्लस वन कर ले यार, अगर तू इधर प्लस वन करेगा तो इधर भी प्लस वन करना पड़ेगा, अगर तू इधर प्लस फोर करेगा तो इधर भी प्लस फोर करना पड़ेगा, इधर प्लस नौ करेगा तो इधर भी प्लस नौ करना पड़ेगा, राइट। जैसे ही हमने ये किया, ये बन गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बन गया वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, ये बन गया जेड प्लस थ्री का होल स्क्वायर, माइनस 14 प्लस 14 जीरो। नाउ तीन होल स्क्वायर जीरो के बराबर है, ऑलरेडी कंसेप्चुअली आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप जाकर के क्रैश कोर्स का जो बेसिक मैथ्स का जो पहला बिल्कुल जो फर्स्ट एपिसोड है वो देख सकते हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे x माइनस 1 हो गया, y जो है वो 2 हो गया, z जो है वो माइनस 3 हो गया, ठीक है। सो फ्रॉम सच अ थिंग टू दिस, राइट। तो मजा आ जाता अगर ऐसा होता तो, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस प्रॉब्लम के, तो है ही, मतलब इन द सेंस ये जो चीज़ है मजा आ जाता अगर। एंड ये सिर्फ मैनिपुलेशन पे काम में नहीं आता है, ये बहुत चीज़ों में काम में आता है, कंसेप्चुअली भी बहुत जगहों पे काम में आता है। अब वो तो ऑल ओवर द टाइम जब हम अभी आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको दिखता जाएगा, ठीक है। पर आप उसको याद रखिएगा कि जब भी एकदम से दिमाग बोले, आपको किसी क्वेश्चन में अटका हुए हो और एकदम दिमाग बोले यार मजा आ रहा अगर ऐसा होता तो एक बार करके देख लेना उसको, ठीक है। चांसेस होंगे 70-80% चांसेस होंगे कि वो हो जाएगा उससे, ठीक है। बस हम फ्रिक्शन दिखा देते हैं, हम रोक देते हैं अपने आपको कि यार नहीं है तो फिर छोड़ो, क्यों ही करना है, ठीक है, कर लो एक बार, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे बोल दो अप्रोच नंबर 1 करके देख लिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, अप्रोच नंबर 2 अटका हुआ थे पहले भी थे, अब एक सही तरीके से अटका हुआ है, कुछ करके अटका हुआ है कम से कम, कम से कम ये पता है कि ऐसे तो नहीं करना है, वरना माइंड क्या करता है, इधर भी चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, फिर बोलेगा एक अप्रोच 3 भी बना लेगा, तीनों पर चलता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। और ये लाइफ में भी हो रहा होता है, ये करूं ये करूं ये करूं, कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। फिर और देखते हैं चौथा पॉइंट, जो पूछा है वो बना लो, या फिर पांचवा क्या है, जो आता है वो करो। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें, तो मैं लग रहा हूँ क्या ये, ठीक है, बट बिलीव मी ऑन दिस, फर्क पड़ता है यार, यही है अल्टीमेटली टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे वो क्वेश्चन ओलंपियाड का हो, आईएमओ का हो, जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, सीबीएसई का हो, या एनसीईआरटी का हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो वो इसी से ही सॉल्व होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से, कि जो मुझे आता है वो करके देखता हूँ। अच्छा अगर ऐसा होता तो बढ़िया रहता, तो बना लेते हैं, तुम बिलीव मी ऑन दिस, ठीक है। सो ऐसे ये है कि जो पूछा है वो बना लो। अब इसी मुझे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा है कि ए बी सी जो है वो एस पी एस क्यू और एस आर है, क्या मतलब है यहाँ पर कि कोई ए पी दे रखी है ना, कोई ए पी है और उसमें पी टर्म्स का अगर आप सामने निकालोगे तो वो ए के बराबर आएगा, इसी में बोल दिया एस पी जो है वो ए के बराबर है, एस क्यू जो है यानी कि उसी ए पी के अगर क्यू टर्म्स का सामने निकालोगे तो वो बी के बराबर है, आर टर्म्स का सामने निकालोगे तो सी के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर ये एमसीक्यू में पूछना होता तो मैं बोलता बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, कि इसका आंसर जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, माइनस थ्री आएगा, ऐसा, ठीक है। अब इसको देख के कई लोग फ्रीज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता यार ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जो कंपैरेटिवली नीची अप्रोच है वो ये है, क्या कि जो आता है वो करो, तुम बिल्कुल अटका हुआ, तुम इस क्वेश्चन को देख के एकदम गायब हो चुके हो कि भाई ये मैंने नहीं देखा कभी, इस तरह की चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है, हमें तो पढ़ाया नहीं कभी एपी कराते हुए। तो फिर तुम क्या करते हो कि जो आता है वो करता हूं मैं,
क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट जो भी आता है मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या आता है, मुझे इसका फॉर्मुला आता है कि पी बाई टू है ना। अब फर्स्ट टर्म इन्होंने दे नहीं रखा, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म एक्स है, ठीक है, तो टू एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, ये ए के बराबर होगा भैया, है ना। और जो बी है उसका भी फॉर्मुला मुझे आता है, सी है उसका भी फॉर्मुला मुझे आता है, कुछ नहीं होगा तो यही डाल देंगे इसके अंदर, यही डाल देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सही है, और हो जाएगा हालांकि बहुत लंबे तरीके से होगा, पर हो जाएगा। तो ये तो अपने आप में ही ब्रह्मास्त्र है कि जो आता है वो करो, कुछ तो आता होगा तुम्हें, कैसा भी क्वेश्चन हुआ कुछ तो आता ही होगा तुम्हें, उसमें कर डालो, करके देख लो, कुछ ना कुछ होने लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो पूछा है वो बना लो, ठीक है। अब ये कैसे होता है कि मानो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे यही जो तुमने किया, ठीक है, कि यार मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है ए बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर, तो मैं ए बाई पी बना सकता हूँ क्या? तो मैंने ये लिखा, मैंने बोला अरे पी को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ए बाई पी बन जाएगा यार, है ना, और फिर टू से डिवाइड कर सकते हैं पूरी चीज़ को, तो टू हट जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे टू आ जाएगा, राइट। कितने लोगों को फीलिंग आ गई कि अरे हाँ ये तो हो जाएगा यार। सिमिलरली बिल्कुल अगर तुम समझ गए लॉजिक को तो तुम ये भी समझ गए होगे कि ऐसे तो फिर बी बाई क्यू भी बन जाएगा यार, बी बाई क्यू में क्या लिखा हुआ है, बी बाई क्यू भी बिल्कुल अगर सिमिट्री से सोच लो तो एक सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में सिमिट्री आ गई, सिमिट्री, ठीक है, ये भी ऐसी हो जाएगा एक्स प्लस, और क्या था क्या यहाँ पर, ओ सॉरी हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ तो सेम ही है, ठीक है। अब दिख रहा है कि हाँ यार ए बाई पी बन गया, बी बाई क्यू बन गया, सी बाई आर बन गया। अब मुझे यार ये चाहिए कि क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ये सब कैसे आएगा? अब अगर तुम्हारे अंदर पहले से कंडीशनिंग करी हुई है, करवा देंगे अगर नहीं करी हुई है, कि p माइनस वन है ना और q माइनस वन है, अगर इनको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू। रटने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा अरे कुछ नहीं है यार, माइनस कर दे बस, क्या चाहिए तेरे को? सर मेरे को q माइनस आर चाहिए, तो इस वाले को इस वाले से माइनस कर दे, माइनस करेगा तो ये और ये कट जाएंगे, है ना। इधर क्या आएगा, आर एच एस में क्या आएगा, पी बाई क्यू माइनस सी बाई आर, राइट। और जब इनको माइनस करेगा तो ये बन जाएगा q माइनस आर इंटू डी बाई टू। अरे यार इसको इससे माइनस कर देना, ठीक है, यही तो बनेगा। अब अपने को तो डी बाई टू चाहिए नहीं, इसको हटाओ यार यहाँ से, इसको यहाँ से हटाओ, ये बन गया डी बाई टू, हटाओ इसको। पर सर मुझे तो q माइनस आर थोड़ी चाहिए था, मेरे को तो a बाई पी भी चाहिए था, मैंने कहा हाँ सही बोल रहा है, तो यहाँ पे ले a बाई पी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऐसा ही मैंने इसके लिए भी किया, तीनों को जोड़ दिया, एक सेकंड में आंसर जीरो आ जाएगा। और ये सारा काम मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो जो तुम्हें पूछा गया है, जो तुमसे निकालने के लिए दिया गया है, जो तुमसे प्रूफ करने के लिए दिया गया है, जो भी एक्सप्रेशन है वही बनाने की कोशिश करो, चीज़ें होने लग जाएंगी, ठीक है। ये सब काम आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली करते आ रहे हो, बस मैंने लिख दिया है उसको, अगर नहीं आ रहे थे तो अब से करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में अटका हुआ है तो इनको लगाने की कोशिश करनी है, चीज़ें होंगी। और ये जो कंडीशनिंग्स हैं ये 10th क्लास तक आपके अंदर ऑलरेडी करी हुई आई हैं। आप अगर आपने ढंग से आर डी शर्मा सॉल्व करी थी, आर एस अग्रवाल करी थी, ठीक है, ढंग से थोड़ा मैथ्स करी थी, तो ऑलरेडी आपके अंदर ये सब होगा। बस उन आवाज़ों को स्ट्रॉन्ग कर दो कि हाँ ठीक है, मुझे जो आता है वो मैं करके देखूंगा, ठीक है, या फिर जो मुझसे पूछा गया वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर मज़ा आ जाता अगर ऐसा होता तो कर लेंगे वो, ठीक है। आई होप सो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। छठा जो सिंपल सा पॉइंट है वो यही है कि डरो मत। जैसे कि मानो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था ऊपर, वो पूरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन था जो ओरिजिनली जेई एडवांस में आया हुआ था, ठीक है, जेई एडवांस 2019। अब जेई एडवांस की आदत है वो कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन जोड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को, ठीक है। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो लिटरली क्वेश्चन का हार्ट तो बस यही है, इतनी सी प्रॉब्लम, ठीक है। पर इसके आगे आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन, लेट दिस अज्यूमिंग कॉस इनवर्स एक्स टेक्स वैल्यू इन जीरो टू पाई, आपका दिमाग खराब होने लग जाता है, आप समझ ही नहीं पाते कि इसमें मैनिपुलेशन लग रही है या इसमें ये फंक्शंस का कुछ इंटरवल कुछ लग रहा है। फिर आप ऑप्शन देखते हो, आपका और दिमाग खिसक जाता है कि अरे यार इसमें तो आईटीएफ लग रहा है, अरे यहाँ तो शायद कुछ क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है, अरे यहाँ तो लिमिट लग गया, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बकवास चल रही है। तो ऐसे में आपको अपने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग आपका फटने लग जाएगा। वो यही चेक करना चाहते हैं जेई एडवांस वाले कि तुम्हारी टेंशन का लेवल तो नहीं बढ़ रहा, और अगर बढ़ रहा है तो तुम उसको मैनेज कर पा रहे हो। दैट इज़ व्हाट दे आर टेस्टिंग इन अ वे। जेई इज़ नॉट एट ऑल अ सब्जेक्ट का पेपर, वो सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे टेंशन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मैनेज करना आता है अपने आपको, ठीक है। उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, उधर उस पर हम कभी बाद में जाएंगे, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ जेई। खैर, तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप तुम सोच के देखो, अगर तुमने अपनी नज़रें यहीं पे ही गड़ा दी होती, कई बार ऐसा हम कर पाते हैं, कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम यहीं पे अटक जाते हैं कि भाई ये नहीं होने वाला, ठीक है। पर एक बार सोच के देखो, और ऐसा उसने बहुत बार किया है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप आई गेस याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा क्वेश्चन था, वो कुछ इस तरीके से था, टैन थीटा बाई टू, वन प्लस सेक थीटा, वन प्लस सेक टू थीटा, ऐसे करके एक लंबी सी सीरीज थी, वो भी ऐसी क्वेश्चन था, उसमें भी ऑप्शन में कुछ दे रखा था उल्टा पुल्टा, एंड उसका आंसर शायद पक्का याद नहीं है मेरे को, शायद ये आंसर आ रहा था उसका, टैन टू की बार एन थीटा, इतना सा सिर्फ, ठीक है। और जिसमें ऑप्शंस पूछे थे वो सिंपल कुछ नहीं था, फंक्शन के अंदर जैसे दे रखा था, फंक्शन के अंदर 4 डालना है, ठीक है, और हो गया टैन
एट थीटा, टेन सिक्सटीन थीटा, ऐसा करके कुछ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शंस में मत जाओ, यही बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा। और मैंने अभी आपको दिखाया ही था कि अगर आपका फोकस सिर्फ इतनी सी चीज़ पर रहे और फिर आप सोचो कि अरे एल्जेब्रिक फॉर्म पे मुझे फोकस करना है, तो आप इतने से इतने पे पहुंच जाओगे। इतने से आप इसको कॉस 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 माइनस कॉस कर दोगे, इसको भी आप क्या कर दोगे, वन माइनस कॉस कर दोगे, ठीक है। फिर आप सिग्मा लगा दोगे, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं है, वही सीक्वेंस सीरीज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो आपने किया, वो किया, आप देखोगे आपका आंसर सिर्फ इतना सा आ जाएगा, सिर्फ ये आंसर है इसका। एफ एन जो है वो कॉस पाई बाय एन प्लस टू है। अब पहला ही ऑप्शन क्या है, एफ फोर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये कुछ नहीं है, पाई बाय सिक्स लिखा है बस, रूट थ्री बाय टू, ठीक है। तो ऐसे ही करेगा वो। और यहाँ पे अभी ये तो सिंपल है, और भी अगर आप जाओगे, अगर मेट्रिसेस वेट्रिसेस में जाओगे तो बहुत करता है वो, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाओ इन सॉन में, यहाँ पे कोई गंदा सा एक्सप्रेशन दे दिया, कुछ बड़ा ही गंदा गंदा कर दिया। अभी शायद जेई 2023 में आया था शायद, है ना, या 24 में आया था, ठीक है, भूल गया मैं, तो उसमें शायद दो तीन चीज़ें थी और कुछ बहुत कुछ उसके साथ कर रखा था और फिर ऑप्शंस थे, ठीक है। तो उनके साथ बह नहीं जाना है, डरना नहीं है, जेई एडवांस हो या मेंस हो। अब मेंस भी ये हरकत करने लग गया है, पहले मेंस क्या करता था, पहले मेंस क्या करेगा, अगर उसको ये क्वेश्चन पूछना होगा मेंस सीधे सीधे बस यही क्वेश्चन तुम्हें लिख के दे देगा। बट अब मेंस क्या कर रहा है कि अब वो एडवांस के पैटर्न में जाने के चक्कर में वो ये सब उसने भी देना शुरू कर दिया, ये इर्द गिर्द वाली चीज़ें, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं, ये देना ही चाहिए, वरना आपका ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये कंसेप्चुअल लेवल पे फ्लॉड हो जाएगा कुछ ना कुछ इसमें, कि फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन ओनली, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत होती है, पर जेई मेंस ऐसा कभी किया नहीं करता था, अब कर रहा है, ठीक है। अगर तुम खासकर जेई मेंस 2022 के क्वेश्चन देखोगे, 23 और 24 के ठीक है, 22 के क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, इतने प्यारे प्यारे, और हमने सब करे हैं, ठीक है, मतलब जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पिछले साल डिस्कस किए थे वो सब के सब बहुत ही बढ़िया थे, ठीक है, तो करने ही चाहिए, ठीक है। तो या तो अब मामला इसी तरीके का रहेगा। तो ये अराउंड सिक्स आइडियाज़ मैंने आपको बताए, ये फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया बस इतना ही था, इसके बाद मेन चीज़ शुरू होगी जिसको मैं आइडियली बोलूँगा एपिसोड नंबर वन। तो उसमें क्या हम कर रहे होंगे कि क्या, तो मैं कोई प्रॉब्लम आपके सामने लिख दूंगा, ठीक है, और उस प्रॉब्लम पे आपको यही छः आइडियाज़ लगाने होंगे, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे हम उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्ट एक नया आइडिया फॉर्म कर लेंगे, न्यू आइडिया, ठीक है। कि अब अगर क्वेश्चन आया तो मैं डायरेक्टली ये अप्रोच करूंगा, अब मुझे वापस से वो छह चीज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी, दिस इज ओनली डन टू सेव टाइम, ठीक है। वरना अगर आप मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा चलता है इंडिया में, बड़ा चलता है ना, इस तरह की वीडियोज़ बड़ी हिट होती हैं कि MIT स्टूडेंट्स सॉल्व IIT क्वेश्चंस, है ना, कि जेई एडवांस के प्रोफेसर, सॉरी जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करे किसी USA के प्रोफेसर्स ने, है ना, एंड सो ऑन। अब उनसे कई बार होते भी नहीं है, या कई बार उनसे हो जाते हैं एंड सो ऑन, या उनको बहुत टाइम लगता है करने में। कई लोग यूएसए के होते हैं या यूके के होते हैं जो वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि उनको व्यूज़ मिलते हैं। इंडियंस इनसिक्योर लोग हैं, उनको वो चाहिए होती है सिक्योरिटी कि देखो हम एक ऐसे टफ पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि यूएसए वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। तो समझो बात को, क्या हुआ है, तुम्हारे को जो पढ़ाया जाता है ना जेई के लिए, तो उसमें तुम्हें भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं करा रहा हूँ, ये बहुत लोग तुम्हें इस टाइप के आइडियाज़ बता देते हैं, न्यू आइडियाज़ जिसको मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँगा कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपके वो लोग हैं जो यूएसए से हैं, या फिर एक सिंपल सा बंदा है जिसने सिंपल 11 12 किया है मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के अजम्पशन ले लेते हैं कि उसने एटलीस्ट सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं उसने जेई लेवल का सिलेबस पढ़ा हुआ है। जेई लेवल का मतलब नहीं, जेई का जितना भी सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब उसमें हम पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंथ रूट ऑफ यूनिटी, है ना, और CBSE में पढ़ाया नहीं जाता ये सब कुछ, तो उसने ये सब कुछ पढ़ रखा है अगर, पर उसने कुछ भी उसको कुछ बताया नहीं गया कि बेटा अगर ऐसा ऐसा हो तो तुम ऐसा ऐसा सोच सकते हो, कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा दिख जाए तो न्यूमिनेटर में बना लो उसको, इस तरह की कुछ भी उसको नहीं बताया गया। तो वो फंडामेंटल से अप्रोच करेगा, वो ये जो फंडामेंटल आइडियाज हमने अभी देखे, फॉर्मूला रिकॉग्निशन हो गया, है ना, मजा आ जाता अगर ऐसा होता तो, इस तरह के जो आइडियाज हैं वो इनसे प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा। हो सकता है उसको सेम प्रॉब्लम करने में 15 मिनट लग जाए, जिस प्रॉब्लम को करने में तुम्हें मुश्किल से लगे 30 सेकंड, पर वो 30 सेकंड तुम्हें इसलिए लगे क्योंकि तुमने इस तरीके के लेट से 10 प्रॉब्लम्स कर लिए थे, उससे तुमने एक नया आइडिया फॉर्म कर लिया अनकॉन्शियसली, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, अरे बेटा तुम प्रैक्टिस करो बस, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होगी, वो एक कहावत जैसी चल रही है। उसका रीज़न यही है कि आपने अगर 100 क्वेश्चन करे, है ना, और उसमें मान लेते हैं 10-10 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, अनकॉन्शियसली वो ब्रेन आपका पैटर्न फॉर्म कर लेगा, एक नया आइडिया फॉर्म कर लेगा। अब जब आप 11वीं बार उस क्वेश्चन को देखोगे तो वो नया आइडिया अपने आप लग जाएगा और 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उस बंदे को उस प्रॉब्लम के लिए 15 मिनट लग गए उसी एक नया आइडिया पे आने के लिए। सो कुछ इससे डिफाइन नहीं हो रहा है, इससे डिफाइन नहीं हो रहा कि तुम इंटेलिजेंट हो और वो बेवकूफ़ है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उससे सिर्फ इतना डिसाइड हो रहा है कि तुमने ट्रेनिंग करी है, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग, है ना, कि हमें बहुत सारे नए आइडियाज पता है, नए आइडियाज बोल दूंगा या बोल दूंगा कंस्ट्रक्टेड आइडियाज क्यों पता है, क्योंकि हमें एक पेपर क्लियर करना है जेई नाम का, दैट्स इट। कुछ इसमें इंटेलिजेंस है ही नहीं, इसमें इंटेलिजेंस क्या है इसमें, वट इज इंटेलेक्ट, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। मजा तो तब आता है जब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो तुम्हारे इन सारे न्यू आइडियाज की धज्जियां उड़ा देता है,
ठीक है, और फिर तुम एग्जामिनेशन में बैठे बैठे इन 6 फंडामेंटल आइडियाज का यूज करके ऑन द स्पॉट वहां पे एक न्यू आइडिया बनाते हो ना, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, यहां पे आता है मजा। ठीक है, ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि अब जब हम हर एक एपिसोड में एक नया आइडिया फॉर्म कर रहे होंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि ऐसे करने पे ऐसा कर दो, मैं तुम्हें सीधे सीधे दे दूंगा ये सिचुएशन है, लगाओ दिमाग। तुम उन ये जो 6 टूल्स मैंने तुम्हें दिए हैं, इन 6 टूल्स का यूज करके एक नया आइडिया फॉर्म करोगे, तो तुम्हें न्यू आइडियाज फॉर्म करना आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं जरूर तुम्हें ये नया आइडिया याद रहना चाहिए, तुम्हें पता रहना चाहिए कि हाँ हमें ये करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है नया आइडिया तुम्हें पता रहना चाहिए, उससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, बट तुम्हें ये भी तो करना आ गया ना कि एक रैंडम प्रॉब्लम से नया आइडिया तक पहुंचा कैसे जाता है, राइट? एंड दैट इज आई गेस अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग देन जस्ट मेकिंग अ बंडल ऑफ न्यू आइडियाज। एंड ऑब्वियसली मेकिंग अ बंडल ऑफ न्यू आइडियाज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन एन एग्जामिनेशन वेयर लैक्स ऑफ पीपल आर कंपीटिंग फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड ऑल दैट। वो ठीक है, ठीक है, बट आई होप सो आपको बात समझ में आ रही है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ठीक है, अगला एपिसोड बोल देंगे उसका कंस्ट्रक्टेड आइडिया का, तो पहला एपिसोड है वो। ठीक है, तो हाँ जी, या तो ये एक हमारा शायद ये फिर भी एक तरीके का लंबा सेशन हो गया, आई गेस 40-50 मिनट्स का ये भी हो गया, बट हाँ अगले सेशन से इतना लंबा नहीं रखेंगे, कोशिश तो ये रखेगी। ठीक है, बाकी या दैट्स इट एंड हाँ बस इतना ही है।